गुड मॉर्निंग, सी द ब्यूटिफुल गार्डन बिहाइंड मी। और आज इस गार्डन में बैठे हुए ये थॉट आया कि क्यों ना आज उस किताब के बारे में बात की जाए जो हमें ये बताती है कि किस प्रकार से हमारा ये माइंड भी बिल्कुल एक गार्डन की तरह है, एक मिट्टी की तरह है, जिसमें विचार रूपी बीजों को हम बोते हैं और फिर उससे तरह तरह के पौधे हमारे जीवन में आते हैं। तो आज बात करते हैं जेम्स एलन साहब की किताब एज अ मैन थिंक इट के बारे में। दोस्तों, ये किताब है विचारों के बारे में और किस प्रकार विचार ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है इस बारे में। जैसा कि हमने सुना ही है कि थॉट्स मेक अ मैन, तो ये किताब हमें ये बताती है कि किस प्रकार एक एक विचार जो हमारे मन में आता है, जो हमारे माइंड में आता है, वो हमारे एक्शंस को मोल्ड करता है और वो एक्शंस बनाते हैं हमारी डेस्टिनी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी किताब है। और अगर अब तक आपने इस बारे में नहीं सुना है कि आपका जो पूरा जीवन है वो एक्चुअली आपके विचार बना रहे हैं, और अगर सुना भी है और अगर इस किताब को नहीं पढ़ा है, तो आई इंसिस्ट दैट गो फॉर अ रीड ऑन एज अ मैन थिंक इट। किताब बहुत ही सिंपली हमें ये बताती है कि किस प्रकार जब एक विचार हमारे दिमाग में आता है, हम उसको थोड़े टाइम तक उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लाइफ में एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते हैं तो हमारी डेस्टिनी बनती है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, वो ये है कि जिस प्रकार मिट्टी में अगर हम खाद पानी नहीं देंगे, कोई बीज हम खुद नहीं लगाएंगे, तो भी आपने देखा होगा कि वीड्स उग जाते हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ना किसी काम के हैं, ना हमें उनकी ज़रूरत है, ना वो दिखने में भी शायद सुंदर नहीं है, उनका कोई यूज़ नहीं होता, पर उग तो जाते हैं। और जब उग जाते हैं तो उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक वो वीड्स वहाँ पर प्लांटेड हैं, हम कोई दूसरा प्लांट लगा नहीं पाएंगे। हम लगाने की कोशिश भी करेंगे तो वो वीड्स जो हैं हमारे हेल्दी प्लांट्स को उगने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो हमारा माइंड है, दैट इज़ लाइक अ लैंड। यदि हम उसको प्रॉपर फर्टाइल बनाएंगे, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करेंगे, हम अगर इस बारे में कॉन्शियस रहेंगे कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं क्या वो हमारे लिए सही है, क्या वो हमारे जीवन को सही दिशा देंगे, क्या हम उनसे अच्छा फील कर पाते हैं, अच्छे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, तो ज़रूर वो बीज रूपी विचार, थॉट्स इन फॉर्म ऑफ सीड्स, वो बहुत सुंदर पौधे बनेंगे। अर्थात हमारे जो एक्शंस हैं वो बहुत सुंदर होंगे, हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे, हमारे लिए पॉजिटिव होंगे। और नहीं तो हमारा माइंड भी बिल्कुल उस ज़मीन की तरह हो जाएगा जहाँ पर कोई भी वीड उग जाएगा, अर्थात कोई भी नेगेटिव थॉट आके अपनी जड़ें जमा लेगा, एंड दैट विल डायरेक्ट अवर एक्शंस। ओनली दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस बुक, एंड नॉट ओनली दिस बुक, एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारे जीवन का जिस्ट है। विचारों से हम हैं, तो विचार सही, जीवन सही। टिल देन एंजॉय द हॉलीडेज, और मिलते हैं फिर एक नई किताब के बारे में जानने के लिए। टिल देन, स्वाति बाजपेयी साइनिंग ऑफ।